हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गुरु। आज आपके लिए लाए हैं एक टॉपिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक बेसिक टॉपिक है जिसके बारे में आपको मैं कुछ बेसिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि होता क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, उसके बारे में था ये वीडियो। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर फॉर्म्ड बाय टर्म्स दैट कंटेन बोथ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट। यहाँ पे क्या है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में दो चीज़ें खास होती है, एक वेरिएबल्स और एक कांस्टेंट। अब वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होता है देखते हैं एग्जांपल के ज़रिए। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 3x² + 2x + 1। ये हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 3x² 2x और 1 ये हमारे टर्म्स कहेंगे, इसको इंडिविजुअली हम क्या कहेंगे टर्म्स। ठीक है, जबकि कोएफिशिएंट किसको कहेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है 3, उसी तरह से एक्स का कोएफिशिएंट होगा 2 और लास्ट 1 जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। ध्यान रखना दोस्तों कि जिस वैल्यू के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा वो हमारा कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है, और वेरिएबल क्या होता है तो वेरिएबल एक्स वाई ए पी जेड कोई भी हो सकता है अल्फाबेटिकल। ठीक है, और कोएफिशिएंट हमेशा वेरिएबल के आगे होगा, कोएफिशिएंट हमेशा वेरिएबल के आगे होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 3, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 2 और 1 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है इसलिए हम उसको कांस्टेंट टर्म कहेंगे। ठीक है दोस्तों, नाउ टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अलग अलग प्रकार के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जैसे कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, तो आइए देखते हैं मोनोमियल। मोनोमियल मतलब कि केवल एक ही टर्म होगा, फॉर एग्जांपल 4x है, 7x² y, ठीक है, 3/4 PQ, ये सब क्या है एक ही टर्म है, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया। लेकिन अब बाइनोमियल देखो तो जल्दी समझ में आएगा, उसके अंदर क्या होते हैं दो टर्म्स होते हैं 2x + 3y। आप देखो वहाँ पे प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है कि दोनों वेरिएबल अलग अलग है। ठीक है, दोनों वेरिएबल अलग अलग है, जैसे कि 2x² + 3x तो ये दोनों अलग वेरिएबल होंगे, सेम नहीं होंगे क्योंकि दोनों की पावर अलग है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल a + b है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बाइनोमियल के एग्जांपल हैं। तो यहाँ पे याद रखना दोस्तों कि दो अलग वेरिएबल होने चाहिए या तो फिर उसके पावर्स अलग होने चाहिए। ट्राइनोमियल में क्या होता है तीन टर्म्स होते हैं a + b + c, जैसे कि x² + y² + z², पावर चाहे कोई भी हो लेकिन वेरिएबल्स अलग होने चाहिए। नाउ फोर्थ वन इज क्वाड्रोनोमियल। अब सेम है, इसके चार टर्म होंगे जैसे कि a + b + c + d, चार टर्म होंगे और चारों टर्म्स वेरिएबल्स अलग होने चाहिए। अब तीनों जैसे कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब के वन और मोर टर्म्स होते हैं तो हम उसको पॉलीनोमियल भी कह सकते हैं। समझ में आया दोस्तों, वन और मोर टर्म्स होते हैं तो उस एक्सप्रेशन को हम पॉलीनोमियल भी कहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारा बेसिक वीडियो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रिलेटेड आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के डिटेल में कुछ सम्स करके सिखाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, और लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।